हम लोग को कुछ अब पाने का मत भी नहीं हो रहा, क्या कहें। तो हम लोग अब शोक में है, किसी का भी बच्चा भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा न हो, और आप लोगों के पर घर परिवार में मैं भगवान से प्रार्थना करता रहूंगा कि ऐसी घटना कभी इनको घर में ना हो, ताकि हम लोग तभी से सुबह से बोल रहे थे बाबू हमारे 8 बजे से जाता है स्कूल, और सुबह से अगर फिर क्या बात हो गया, आज गाड़ी नहीं आया, गाड़ी नहीं आया, तो ये अगोरते अगोरते तब हमने फोन किया स्कूल पर, तब पता चला यही सब बात है दोस्तों। ऐसा सुनकर बहुत दुख हुआ दिल को, मतलब जवान बेटा था और पता नहीं अब क्या हो, ऐसा भगवान ऐसा कर दिया कि छीन लिए उस बच्चे को, बहुत ही दुख हो रहा है सुनकर। इसलिए स्कूल में छुट्टी हो गया है, मातम छा गया है स्कूल में दोस्तों। अब देखिए कई दिन छुट्टी रहता है, इधर देखिए शक्ति हमारा नहीं जा पाया है, आज पेपर था इसका, देख सकते हैं पेपर था, इसीलिए अब क्या होगा। लेकिन जो बच्चा का एक्सीडेंट हुआ, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और क्या करें दोस्तों। और उस इधर पापा हमारे दो शब्द कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत सैड हो गए सभी लोग सुनकर, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे के स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि कुछ भी घटना होता है तो सभी लोग को कुछ अच्छा नहीं लगता है, चाहे स्कूल है, चाहे घर रहे, चाहे परिवार रहे। हेलो हेलो यूट्यूबर बच्चों और नौजवानों, सभी लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि देखिए ये पैसा लेकर के अपने नाती को मैं लेकर खड़ा था 2 घंटे से कि अब गाड़ी आएगी, अब गाड़ी आएगी, अब गाड़ी आएगी, लेकिन गाड़ी नहीं आया। तब स्कूल पर पता किया गया, आकस्मिक घटना होने के नाते से गाड़ी नहीं आई, स्कूल का छुट्टी हो गया। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप लोग अपने बच्चे पर बड़ा ध्यान दीजिए, और बच्चों को ऐसा है कि घर पढ़ने से अगर मौका मिलता है तो उनको ज़्यादा घूमने का अवसर मत दीजिए, समझा बुझा करके रखिए, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं उनको अभी ज्ञान तो ये है नहीं, कोई भी बात हो जाएगी तो हम लोगों के ऊपर पड़ेगा। इस नाते से मैं प्रार्थना करूँगा कि अपने अपने बच्चों को संभाल करके, सुधार करके और रखिए, और बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजिए, क्योंकि विद्या ही जो है, स्कूल की पढ़ाई है ज़िंदगी है, और उससे जो बच्चा आगे निकलता है वही आगे प्रोग्रेस करता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे के साथ सचेत रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए हर उसके कार्यकलाप और उसके देख रेख में, यही मेरे तरफ से आप लोगों से प्रार्थना है। और आगे मैं बहुत कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन समय के क्या करें दोस्तों, जैसे सुनने में जब से उसका बच्चे के बारे में सुने हैं कुछ, मतलब दिमाग डिस्टर्ब है, कुछ नीक नहीं लग रहा, कैसे माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। आज अभी रात में हुआ है एक्सीडेंट, बहुत लोग मतलब 11 में पढ़ा था, जवान था, बताइए ऐसा। हम लोग को कुछ अब पाने का मत भी नहीं हो रहा, क्या कहें। तो हम लोग अब शोक में है, किसी का भी बच्चा भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा न हो, और आप लोगों के पर घर परिवार में मैं भगवान से प्रार्थना करता रहूंगा कि ऐसी घटना कभी इनको घर में न हो, ताकि हमको सुनकर ऐसे दुख न हो। हाँ, मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, आज आप लोगों से सिफारिश करता हूँ, बच्चे के बारे में आप लोग बहुत सतर्क रहिए। लो बाबू पैसा धरो, का जो स्कूल खुलेगा। हाँ, दोस्तों जैसे कलर लेना था, पेंसिल लेना था, तो ये सब पेपर था, करेंगे आप लोग सतर्क रहिए। क्या किया जब, तो भगवान के आगे कुछ चलता नहीं है दोस्तों। भगवान चाहे कब क्या कर दे, किसके साथ है, किसके साथ बढ़िया, किसके साथ, इसीलिए दोस्तों जिंदगी छोटी है, कब समझ नहीं आता है दोस्तों। अभी क्या बोले दोस्तों, हम आग बहुत दिखती हो गए, डिस्टर्ब हो गए हैं, वीडियो कहीं एंड करने जा रहे हैं।